Hey guys, welcome back to my channel. तो कैसे हैं आप लोग? I hope you guys all are doing good. तो आज की इस वीडियो में मैं करने वाली हूँ एक प्रोडक्ट का क्विक रिव्यू. तो चलिए देखते हैं हम किस प्रोडक्ट का रिव्यू करेंगे. सो गाइज, आज हम करेंगे CVB मैजिक स्किन ब्यूटीफायर BB क्रीम का रिव्यू. तो मेरी एक सब्सक्राइबर ने इस प्रोडक्ट को यूज करने के लिए मुझे कमेंट किया था. तो मैंने सोचा ये प्रोडक्ट यूज करके देखूं ये प्रोडक्ट कैसा है और आप सबके साथ एक रिव्यू शेयर करूं. तो सबसे पहले हम बात करते हैं इस प्रोडक्ट की. तो इसकी आउटर पैकेजिंग एज यू कैन सी काफी अच्छी और डिफरेंट है. ये एक नेवी ब्लू कलर की कार्टन पैकेजिंग में है. साथ में आपको यहाँ चार्म वोक ब्यूटी मीन CVB की क्रीम है. सो गाइस, ये हमारी बीबी क्रीम है जिसमें SPF 30++ है. ये एक फाउंडेशन की तरह वर्क करता है जो कि आपकी यूनिवर्सल शेड में ट्रांसफॉर्म हो जाता है. ऑलराइट, तो ये क्रीम क्लेम करती है कि ये 4 ब्यूटिफाइंग एक्शंस के साथ में है जो कि हाइड्रेट करता है, प्राइम करता है, परफेक्ट करता है और करेक्ट करता है, जिससे कि आपके मेकअप को एक फ्लॉलेस बेस मिलता है. जो हमारी क्रीम है ये एक बीबी क्रीम है. तो बीबी क्रीम हम यूज करते हैं, अगर हम फाउंडेशन यूज नहीं करना चाहते हैं तो डेली बेसिस पे जो क्रीम हम यूज करते हैं मोस्टली बीबी क्रीम या CC क्रीम होती है जो कि काफी लाइट वेट होती है और आप उसको डेली इजिली कैरी कर सकते हैं, आप उसको डेली अप्लाई कर. ये है शेड नंबर 04. अब हम इसको ओपन करेंगे. तो आप देख सकते हैं काफी अच्छा क्लासी पैकेजिंग है इस प्रोडक्ट का. अंदर ब्लू कलर के ट्यूब पैकेजिंग में है, साथ में प्लास्टिक की लिड है जो कि गोल्डन और व्हाइट कलर में है. तो पैकेजिंग वाइज बहुत ही प्रिटी है. तो अब हम बात करते हैं, यहाँ अंदर भी वही सब मेंशन किया हुआ है जो बाहर हमें कार्टन के पैकेजिंग में. बात करें इस प्रोडक्ट की, तो मैंने इसको एक या दो बार यूज किया है डेली बेसिस पे. मैंने चेक करने के लिए इसको यूज किया था कि कैसे वर्क करता है आपके स्किन पे. तो मुझे इसका पिगमेंटेशन काफी अच्छा लगता है, मीन्स कवरेज बहुत अच्छी है इसकी. बात करते हैं इसकी कंसिस्टेंसी की, तो आप देख सकते हैं काफी थिक सा ये बीबी क्रीम है. बहुत लाइट वेट बीबी क्रीम नहीं है, ये थिक बीबी क्रीम है. और इसको अगर आप फाउंडेशन की तरह अप्लाई करते हैं आपकी स्किन पे तो ही काफी अच्छे से ये वर्क करता है. इसकी फ्रेग्रेंस माइल्ड है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग फ्रेग्रेंस नहीं है. तो आप इसको डेली बेसिस पे आराम से यूज कर सकते हैं. तो आप देख सकते हैं इसको अच्छी तरह से ब्लेंड करने के बाद ये आपके स्किन में बहुत इजीली अब्सॉर्ब भी हो जाती है और साथ ही एक सैटिन फिनिश देती है. तो मेरे स्किन टोन के अकॉर्डिंग ये शेड थोड़ा सा ज्यादा लाइट है क्योंकि मुझे और कोई शेड नहीं मिला, तो मैंने इसको ही परचेज किया था क्योंकि मुझे रिव्यू तो करना ही था. तो आप देख सकते हैं, लेकिन आप इसको अच्छे से अगर स्किन पे अपने अप्लाई करते हैं, मिक्स करते हैं इसको, तो कुछ टाइम के बाद ये आपके कलर में मिक्स हो जाता है और बहुत अच्छा ये कवरेज प्रोवाइड करता है. आप देख सकते हैं काफी अच्छा कवरेज प्रोवाइड करता है ये, और साथ ही लॉन्ग लास्टिंग भी है. आप ऐसा नहीं है कि स्वेटिंग के बाद ये आपका क्रीम या प्रोडक्ट हट जाता है फेस से, ऐसा बिल्कुल नहीं है. मैंने इसको यूज किया है तो मुझे पर्सनली अगर आप पूछें तो मुझे ये प्रोडक्ट काफी अच्छा लगा. प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बहुत ही अच्छा है, मुझे भी बहुत अच्छा लगा है. तो आप इसको अपने शेड के अकॉर्डिंग परचेज करें. और इसके साथ में एक क्विक टिप ये है कि अगर आप इसको विंटर्स में यूज करना चाहते हैं तो आप अपने थोड़े से मॉइस्चराइजर या कोई भी जेल जो आप यूज करते हैं उसके साथ में इसको मिक्स करके फेस पे अप्लाई करेंगे तो काफी अच्छा फ्लॉलेस बेस मिलेगा आपको. और अगर आप इसको फाउंडेशन की तरह अप्लाई करना चाहते हैं फिर तो आप इसको एज इट इज अप्लाई कर सकते हैं. तो प्राइस पॉइंट के अकॉर्डिंग ये प्रोडक्ट बहुत अच्छा है, अगर आप परचेज करना चाहते हैं तो आप डेफिनेटली कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा. ऑलराइट गाइस, तो ये था हमारे CVB स्किन ब्यूटीफायर क्रीम का रिव्यू. अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा है तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें. खुश रहें, अपने फ्रेंड्स और फैमिली का ख्याल रखें. टेक केयर, लव यू, बाय बाय.